بسم الله الرحمن الرحيم. नाजरीन, इमारत इस्लामिया के मादनियात और पेट्रोलियम के वजीर शेख शहाबुद्दीन दिलावर ने कहा कि अफगानिस्तान के तमाम कुदरती वसायल सेक्टर्स में एक माफिया मौजूद है। उनके मुताबिक इन माफियाज के साथ बैनुल अक़वामी सपोर्ट मौजूद है, जो कि नहीं चाहता कि अफगानिस्तान अपने वसायल को इस्तेमाल करते हुए एक खुदकफील मुल्क बन जाए। शेख शहाबुद्दीन दिलावर ने कहा कि हर इदारे में माफिया मौजूद है, जिसमें कोयला, नमक के काने, कुदरती पत्थर, क्रोमाइट, फ्लोराइड और मुख्तलिफ किस्म के लोग पाए जाते हैं, जिनके खिलाफ अब इमारत इस्लामिया कोशिश में है कि उनको कंट्रोल किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे वजारत ने इन माफियाज का मुकाबला करने के लिए नुमाया कोशिश की और उन्हें मादनियात के स्मगलिंग से रोका है। अब हमारी कोशिश यही है कि कौमी और बैन अलाक़वामी सतह पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान खुद कपालत तक पहुँच जाए और अपने पाँव पे खड़ा हो। माहिरीन का मानना है कि अगर अफगानिस्तान के कानों को लूटमार और बदिनवानी से बचाया गया और पेशावराना तरीके से निकाला गया और मादनियात को मुल्क के अंदर प्रोसेस किया गया, तो इससे हज़ारों मुलाजिमतें पैदा होगी और गुर्बत में कमी आएगी, क्योंकि आदाद शुमार के मुताबिक अफगानिस्तान में 1400 बारूदी सुरंगें मौजूद हैं, जिनसे हर रोज़ हज़ारों टन कुदरती मादनियात निकाले जाते हैं। इसके अलावा हाल ही में चाइना के साथ होने वाले मुआहदे में 10 नए कुओं से तेल निकालने के शोबे में तकरीबन 80 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी, जिससे हुकूमत की आमदनी में इजाफा होगा और तेल निकालने के रकम में भी इजाफा हो जाएगा। इसी तरह इमारत इस्लामिया के वजारत ख़जाना ने गुज़िश्ता 11 महीने में टैक्सों से 11 अरब 336 मिलियन अफगानी जमा करने का ऐलान किया है, जो कि गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में 2 अरब 100 मिलियन अफगानों का इजाफा जाहिर करते हैं। वजारत ख़जाना ने कहा कि महसूलात में ये इजाफा वजारत ख़जाना की क़ियादत के बेहतर इंतज़ाम, इंतज़ामी बदिनवाने के खात्मे, काम के जगह पर पुरआज़म और पेशावराना अफराद की तैनाती, ताजिरों और सनतकारों को टैक्स जर्माने से इस्तिस्ना, दुकानदारों के टैक्स के शरह को 1.5% से कम करके 0.5% करने और उनको ज़रूरी सहूलियात फराहम करने का नतीजा है। इससे कबल भी वजारत ख़जाना ने ऐलान किया था कि जनरल डायरेक्टर ऑफ कस्टम ने पहली बार माली साल के अख्तिताम से कबल अपने 105 अरब अफगानी रेवेन्यू का हदब रवा आखिरी महीने के 14 तारीख को मुकम्मल कर लिया है, और वजारत ख़जाना के पेशनगोई के मुताबिक कस्टम की आमदनी रवा माली साल के अख्तिताम तक 110 अरब अफगानी तक पहुँच जाएगी। दूसरी जानिब साबिका अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने सदर जो बाइडन को अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखिला से मुतालिक तनकीद का निशाना बनाया है। माइक पोम्पियो ने सदर जो बाइडन पर इल्ज़ाम लगाया कि वह अमरीकी वक़ार और अमरीका की ज़िंदगी दोनों को नुकसान पहुँचा रहे हैं और दुनिया को मज़ीद ख़तरनाक जगह बना रहे हैं। उन्होंने जो बाइडन के रवानगी की तारीख तय करने के फैसले पर तनकीद की, जिसके बारे में उनका कहना था कि इसका नतीजा मुहलिक अफरातफरी का बाइस बना और उसके ज़रिए अमरीका को शदीद नुकसान पहुँचा है। इससे पहले भी अमरीकी ऐवान के खर्ज उमूर कमेटी के चेयरमैन ने कहा था कि अमरीकी फौजों का अफरातफरी से इनखिला और अमरीकियों का अफगानिस्तान से इनखिला हर सतह पर वफाकी हुकूमत की निज़ामी खराबी है और बाइडन इंतज़ामिया की क़ियादत की एक हैरानकुन नाकामी है। उन्होंने कहा था कि 2021 में अपने आला जर्नेलों और इंटेलिजेंस के मशवरे के ख़िलाफ़ अमरीकी सदर जो बाइडन ने ऐलान किया कि वो अफगानिस्तान से तमाम अमरीकी फ़ौज को गैर मशरूत तौर पर वापस बुलाएंगे, जिसके वजह से अमरीकी वक़ार ज़मीन बूस हुआ है। इसी तरह चंद रोज़ कबल अक़्वामे मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल ने सलामती कौंसिल को अफगानिस्तान की सूरत हाल और बैन अलाक़्वामी अमन व सलामती पर उसके असरात के बारे में अफगान हुकूमत की नुमाइंदगी की मौजूदगी के बगैर एक रिपोर्ट पेश किया था, जिस पर आज इमारत इस्लामिया ने अपना मौक़िब ज़ाहिर किया है। इमारत इस्लामिया ने कहा कि हम इस रिपोर्ट के उस हिस्से का खैर मकदम करते हैं जिसमें अफगान हुकूमत की गुड गवर्नेंस, एहतसाब के निज़ाम की मजबूती और खिदमत की फराहमी के हवाले से मौजूदा ढांचे की मजबूती और नए फ्रेमवर्क की तश्कील, जैसे सुप्रीम कोर्ट में निज़ामी इंसाफ का इस्तेहकाम, उलमा कौंसिल का क़ियाम, तहलील शुदा इदारों के मर्द ख़वातीन कारकुनों को तनख्वाहों का इजरा, साबिक़ अरकान और अक़लियतों के साथ कौमी मपाहिमत
اور اتحاد کی کوشش، اسلحے کی اسمگلنگ اور منشیات کی روک تھام اور مسلح عناصر کی طرف سے امن کو نقصان پہنچانے کے واقعات میں کمی کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن ہم اس رپورٹ کے اس حصے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے جس میں عام معافی کے اعلان کی خلاف ورزی، گرفتاریوں، تشدد اور ناروا سلوک میں اضافے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس دعوے کی بھی تردید کرتے ہیں جس میں افغانستان میں 23 مسلح گروہوں کی موجودگی کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ محدود تعداد میں مبینہ واقعات سے قومی سوچ اور روایات کا نتیجہ اخذ کرنا، سوشل میڈیا پر موجود اکاؤنٹس کو حقیقی طور پر پیش کرنا، یا تو مخصوص بیانیے کو آگے لے جانے کی دانستہ کوشش ہے یا پھر معلومات کی کمی ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔